हाँ ये देखिए मक्के का आटे का पराठा मैं सर्व करने जा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन सिक गया है। अब आप लोग इसको नाश्ते में, या आपको सुबह लेना हो या शाम लेना हो, चाय कॉफ़ी के साथ में बहुत ही क्रिस्पी मक्के का आटा गेहूं के आटे में मिलाकर बाइंडिंग की गई है। पर प्याज का जो पराठा मैंने बनाया है मक्के के आटे में, तो आप इसका बिजी इलाहाबादी में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम मक्के के आटे का पराठा प्याज का बनाएंगे, जिसमें हमने क्या क्या इसमें प्रोसेस है देखिए। एक कटोरी मैंने मक्के का आटा लिया है, बिल्कुल ताजा है ये देखिए, और इसी से हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी बाइंडिंग करने के लिए आप या तो बेसन डाल लीजिए और या तो आप आटा डाल लीजिए। गेहूं का आटा है तो मक्के का आटा तो भारी होते ही होता है, लेकिन बेसन उससे भी भारी होता है, चने के दाल का होता है। तो मैं गेहूं का आटा इसमें बाइंडिंग के लिए मैं बराबर में ही डाल रही हूँ। जितना मैंने मक्का लिया है उतना ही मैंने गेहूं का आटा लिया है। और सबसे जरूरी चीज है इसमें क्रश किया हुआ अदरक लहसुन और मिर्च का, जो क्रश किया हुआ ये मिर्च का रखे हैं, ये इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हम डालेंगे। बहुत अच्छी टेस्ट आता है इस पराठे में। इसके साथ हम डालेंगे इसमें ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स, आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए, और मैंने डाला है, और एक हरी मिर्च डाला है अलग से बारीक काट कर, और कुछ धनिया की पत्ती डाला है। इसमें कुछ खास मसाला नहीं डालेंगे, बस जरूरी मसाले जो कि पराठे को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए डाला जाता है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन, जो कि हम क्रश करके इसमें डालते हैं स्वादानुसार, इसको भी मैं इसी में डालूंगी। और साथ में डालूंगी ये हमारा 1 से 1.5 मीडियम 2 प्याज डाला है, बारीक कटा होना चाहिए ये देखिए, और इसमें कोई हमें मोयन देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये स्वादानुसार डालेंगे, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे अपना नॉर्मल नमक जो हम डालते हैं, जो भी आप खाते हैं उसको डालिए। और इसको गूथने के लिए अभी हम बराबर कर ले रहे हैं आटे को, एक सार मिला लेते हैं, नमक सब में मिल जाएगा। और मक्के का आटे का पराठा बहुत इजी वे में बनता है। लोग बहुत सोचते हैं कि अरे मक्के का पराठा हम नहीं खाते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आटे में बनाइए इस बार, फिर देखिए। और इसको गुनगुने आटे से सानना है, तो मैंने पानी गर्म करके ले रखा है, गुनगुने आटे से ही इसको हम सानेंगे। तो मक्के को आटे के सानने के लिए, गूथने के लिए हम गुनगुना पानी लिए हैं ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे जितनी उसको ज़रूरत होगा, क्योंकि इससे गूथने से हमारी बाइंडिंग अच्छी होती है। ये देखिए गुनगुना है पानी, भाप भी निकल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको आराम से गूथ लेंगे। और इसमें कोई मोयन देने की ज़रूरत नहीं है, केवल बाइंडिंग की वजह से हमने गेहूं का आटा डाला है। आपको अगर बेसन में बनाना है तो आप बेसन में भी बना सकते हैं, और मक्के के आटे का चिल्ला भी बनाते हैं, तो आपको जो इच्छा हो। मैं तो अभी पराठा बनाकर दिखाती हूँ आपको, बहुत इजी वे में बहुत टेस्टी बनता है। और जाड़े में तो खास तौर से ये सब चीजें खानी चाहिए, बहुत राहत देता है, गर्मी आ जाती है बदन में, तो इसलिए हर आदमी को मक्के का यूज करना चाहिए। हम लोग तो बहुत खाते हैं कि अरे बच्चों को पसंद है तो इसलिए दिला देते हैं। सबके लिए ये बनाने की चीज है, घर का आइटम बनाइए और गर्मा गर्म पराठा खाइए, देखिए गूथने में कितना अच्छा आ रहा है। अचार से खाइए, लाल हरी चटनी से खाइए, वैसे टमाटर की चटनी तो बहुत अच्छा है जो हम डेली पीसते हैं घर में, उससे खाइए, या किसी प्रकार का अचार भी ले लीजिए, उसे भी हम खा सकते हैं। देखिए अभी आटा हमारा कितना अच्छे तरीके से, अभी मैंने आधी गिलास से भी कम लिया था मैंने पानी, अभी बचे हुए हैं, पर इसको अभी हम 10 मिनट के लिए रखेंगे रेस्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया ये बाइंडिंग के लिए, देखिए ये पराठा अगर आप बनाएंगे एक बार तो बार बार बनाने का मन करेगा, और मक्का का आटा का इस्तेमाल भी आप करेंगी, क्योंकि इस आटे का
जब सेवन करते हैं तो बहुत मजेदार पराठा जो बनेगा, ये देखिए। अब और ये पराठा फटता भी नहीं है गुनगुने पानी से, इसीलिए हम लोग आटे को गूंथते हैं। और देखिए आटे को जैसे कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई। हम बेसन डाल सकते हैं, पर बेसन थोड़ा सा जिसको कम पसंद है वो नहीं डाले, गेहूं के आटे में डालकर इसको अच्छी तरीके से देखिए हमने मार लिया है। और मारने के बाद हम 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए, या 5 मिनट ही रखिए, पर इसको हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं। चलिए आगे हम पराठा बनाने के लिए दिखाते हैं। हाँ ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल सॉफ्ट, और 8 से 10 मिनट मैंने रखा था इसको। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मेरा मक्के का आटा बिल्कुल सॉफ्ट सनकर गूंथ कर रख दिया था। अब हम इसमें हल्का सा चिकनाई लगा लेते हैं। तो ये देसी घी है, चाहे आप सरसों का तेल जो लगाइए। इसके बाद इसमें ये देखिए इसकी जो बाइंडिंग तो अच्छी थी ही, साथ में आपका ये पराठा बहुत अच्छा बनेगा जो मैंने प्याज डाला है मक्के के आटे में। और आटा गेहूं का इसलिए डालते हैं कि बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। ये देखिए चलिए अब हम लोई को लेते हैं। थोड़ी मोटी लीजिए, बहुत बड़ी भी नहीं बहुत छोटी भी नहीं। अच्छी तरीके से हम इसको लोई को बनाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया सा हो गया है। मैंने तवा रख दिया है, गर्म हो रहा है। और अब सेकने के लिए हमें, और हल्का सा मैं बाइंडिंग आप मक्के के आटे से भी कर सकते हैं और गेहूं के आटे से, तो ये हल्का सा मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। और इसके बाद हम धीरे धीरे इसको जैसे तैसे हम बढ़ा लेते हैं। तो हम बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे इसको। पराठा बहुत ही मस्त बनता है। अब देखिए हम किनारे जब भी फटता है तो आप किनारे आराम से इसको बना लीजिए। अब देखिए हल्के हाथों से ही हमें बेलना होता है, ये बेल जाता है। अगर हम आटा नहीं डालते तो थोड़ा सा फैलने लगता है, तब हमको पॉलिथीन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये बेलने में आ जाता है। कहीं से भी आपको देखे दिख रहा है कि हमारा अलग हो रहा है। बस इतना ही बेलिए। और देखिए मैं पराठा आपको उठा कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत पतला सा है, बहुत मोटा भी नहीं है। इसी तरह आप इसको डालिए। ये नॉन स्टिक तवा हो या लोहे का तवा हो, चाहे जैसे आँच को मैंने फुल रखा है। इसको आराम से सेकिए। एक पराठा हम और बना लेते हैं तब तक, जब तक ये गर्म होगा सेकेंगे हम। देखिए बहुत बढ़िया सा आटा को रेस्ट करने के लिए रखने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। चलिए इसमें भी हम आटा थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे और भुरभुरा देंगे चौकी पे। फिर इसको हम धीरे धीरे बेलते हैं। अब देखिए नीचे का हमारा सिक गया है, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए पलटिए। अब मैं चम्मच से घी लगाती हूँ। घी भी आजकल जम जाता है। चलिए देखिए मैं इसी तरह से, क्योंकि घी देसी घी से बनाएंगी या बटर से बनाइए या सरसों के तेल से, पराठा आपका बहुत अच्छी तरीके से बनकर। देखिए ये मैंने घी डाल दिया है, जैसे पकेगा वैसे वैसे। इधर भी लगा दिया। अब ये धीमी आंच में हमारी सिकती रहेगी। वाह क्या लाल लाल सा पराठा हो रहा है। मैंने आंच को बिल्कुल धीमा किया है, तब तक मैं दूसरा बेल लेती हूँ। और ये पराठा की जो बनाने का और खाने का अंदाज है बहुत ही अलग तरीके का है। आप मक्के का आटे का पत्थन लगा सकते हैं और आप मक्के का आटा भी इसमें पटखन में लगा सकते। देखिए सिक रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैं हटा देती हूँ।
बहुत बढ़िया पराठा बन गया है। अब मैं दूसरा भी पराठा इसी तरह बेलकर फैला देती हूँ। इसको भी उतने ही बड़ा बेलूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलूंगी, क्योंकि तो बहुत टेस्टी पराठा बनने वाला है आपके सामने। चलिए अब मैं तेज करती हूँ आँच को। जब ये सीख जाएगा तो अपने आप से, नॉन स्टिक पर सीखते हैं तो थोड़ा जल्दी सीखता है। अच्छे से सीख जाएगा और हम इस पर घी लगाने की जरूरत भी नहीं है, घी लगा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा इस पर घी डालेंगे। आँच को तेज कर दीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, धीमी आँच में नहीं सेकना है। फिर हम इसको पलटेंगे आराम से। देखिए बहुत बढ़िया सिक रहा है। अब ये पराठा जब भी आप बनाइए तो हमारे ही तरीके से बताए हुए बनाइएगा। तरीके बहुत होते हैं, अपने अपने तरीके, आपको कैसा जैसा आराम लगता है वैसा भी बनाइए और इसको सेकिए। अब धीमी आँच में हम सेकते हैं, तेज आँच नहीं करना है ज़्यादा। बहुत अच्छी तरीके से मक्के के आटे का जो पराठा बनता है प्याज डाल के, बहुत खुशखुशा होता है और टेस्टी भी होता है। जाड़े में ख़ास तौर से हम लोग मक्के का आटा मंगाते हैं और बनाते हैं। मिस्री रोटी भी बनाते हैं, बेसन की रोटी बनाते हैं, गेहूं के आटे में ही डालकर बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं। सब हेल्दी नाश्ता है, आप सुबह शाम जब भी बनाना चाहें इस तरह बना सकते हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और इसको भी पलट कर दिखा रही हूँ। देखिए पक के पूरा तैयार हो गया है। और अब देखिए हम इसको सर्व करते हैं अपने चटनी के साथ में और अचार के साथ में। चलिए आप गैस बंद कर देते हैं। और मक्के का पराठा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चला है। ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। हाँ ये देखिए मक्के का आटे का पराठा अब मैं सर्व करने जा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन सिक गया है। अब आप लोग इसको नाश्ते में, या आपको सुबह लेना हो या शाम लेना हो, चाय कॉफ़ी के साथ में बहुत ही क्रिस्पी मक्के का आटा गेहूं के आटे में मिलाकर बाइंडिंग की गई है, पर प्याज का जो पराठा मैंने बनाया है मक्के के आटे में, तो आप इसका भरपूर आनंद लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू।